दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लिया है एक प्लास्टिक बोतल और अब मेरे पास ये कैल्शियम कार्बाइड जिसे मैं इस बोतल के अंदर डालूंगा। तो चलिए अब मैं इसे एक एक करके इसमें भर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि इस बोतल में कैल्शियम कार्बाइड इसके नीचे आ चुका है। और दोस्तों, इसके बाद मैं लूँगा एक बैलून जिसे मैं क्या करूँगा, इस बोतल के ढक्कन के अंदर डालूंगा कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, बस इतना ही अंदर रखना है हमें। और दोस्तों, अब चलिए हम इस बैलून में थोड़ा सा पानी भरते हैं। दोस्तों, पानी हमें इस बैलून में ही भरना है, बोतल के अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अभी इस बैलून में मैंने थोड़ा सा पानी भर के इसे ऊपर से कुछ इस प्रकार से बांध दिया है। दोस्तों, अभी इस बैलून के यहाँ पे मैं किसी नुकीली चीज़ से टच करूँगा तो यहाँ से पानी नीचे आएगा और ये कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करेगा, जहाँ पे रिलीज़ होगी एसिटिलीन गैस जो कि एक फ्लेमेबल गैस होती है, और ये यहाँ से निकलेगी। और यहाँ पे मैं कोई जलती हुई कैंडल इसके ऊपर लगा दूंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस प्रकार का सेटअप तैयार कर दिया है। यहाँ पर मैंने कैंडल लगा दी है और यहाँ से निकलेगी एसिटिलीन गैस जो कि एक फ्लेमेबल गैस है जब ये पानी नीचे जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को सेफ्टी के साथ करने के लिए मैंने एक बड़े पीवीसी पाइप में ये सुई लगा दी है, जिससे मैं काफ़ी दूर से इसे बैलून में टच करा पाऊंगा।